नमस्कार दोस्तों, निर्णय एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा किए थे। इसके अलावा मंदबुद्धि बालकों पर चर्चा किए थे और अपवंचित वर्ग के बालकों पर चर्चा किए थे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रवण दोष बाधित बालकों के विषय में चर्चा करेंगे। श्रवण दोष बाधित बालक, देखिए, श्रवण दोष बाधित बालक उसे कहा जाता है, ऐसे बालक जो वातावरण में ध्वनि को सुनने में सामान्य बालकों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे बालकों को श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे बालक जो वातावरण में ध्वनि को सामान्य बालकों की भांति सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे बालकों को श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत रखा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता होती है वह 0 से 25 डेसिबल होती है और जो श्रवण बाधित होते हैं वह इससे ऊंची ही ध्वनि को सुन पाते हैं, इससे कम की ध्वनि को सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऐसे बालकों को श्रवण दोष बाधित बालक के अंतर्गत रखा जाता है। श्रवण बाधिता को 4 प्रकारों में बांटा गया है। 1, कम श्रवण बाधित बालक। 2, उन्हें कहा जाता है जिनकी सुनने की क्षमता 30 से 50 डेसिबल के मध्य होती है। ऐसे बालक जिनकी सुनने की क्षमता 30 से 50 डेसिबल होती है, इन्हें कम श्रवण बाधित बालक कहा जाता है। इनको थोड़ा सा ऊंचा बोल करके या थोड़ी सी तेज ध्वनि बोल करके इनको सिखाया जा सकता है। ये आंशिक रूप से जो है बाधित होते हैं। 2, मंद श्रवण बाधित बालक। मंद श्रवण बाधित बालक जो होते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है वह 50 से लेकर के 65 से 70 डेसिबल होती है। ऐसे बालक जिनकी सुनने की क्षमता 50 से 65 या 70 डेसिबल होती है, इनको मंद श्रवण बाधित के अंतर्गत रखा जाता है। 3 है गंभीर श्रवण बाधित बालक। गंभीर श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता 25 या 70 से 90 डेसिबल होती है। इनको गंभीर श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत रखा जाता है। इनके लिए बहुत तेज ध्वनि या बहुत तेज स्वर जब बोलेंगे तभी यह सुन पाएंगे। कम ध्वनि में यह कठिनाई महसूस करते हैं, कम ध्वनि को सुनने में ये कठिनाई महसूस करते हैं। अगला है पूर्ण श्रवण बाधित बालक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता 90 डेसिबल से भी अधिक की होती है। इन्हें मूक बधिर बालक भी कहा जाता है। यह सुन भी नहीं पाते हैं और जब कोई बालक सुन नहीं पाएगा तो वह बोलने में भी कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए जो बालक सुनता नहीं है उसे देखते हैं वह बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि जो भाषा कौशल का विकास होता है वह सुनने से शुरू होता है और बोलने तक पहुंचता है। पहले आदमी भाषा को सुनता है, उसका अनुकरण करता है, फिर उसी भाषा को वह बोलता है। तो जब बालक भाषा को सुनेगा ही नहीं तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि भाषा का विकास याद रखिएगा एक भाषिक वातावरण में होता है। तो जब बच्चा भाषा को सुन ही नहीं पाएगा
तो वह बोल भी नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे बालकों को मूक बधिर बालक कहा जाता है। अब हम इनकी पहचान बताते हैं। देखिए ऐसे जो बालक होते हैं, ऐसे जो बालक पूर्ण स्वर बाधित होते हैं, इनको हम समावेशी कक्षा में नहीं बल्कि इनको विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा पढ़ाते हैं। इनके लिए लीप लर्निंग तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आंशिक रूप से जैसे कम श्रवण बाधित बालक, मंद श्रवण बाधित बालक, गंभीर श्रवण बाधित बालक, इनको हम समावेशी कक्षा में शामिल कर सकते हैं कुछ अलग उपकरणों का प्रयोग करके, कुछ अलग इनके लिए व्यवस्था करके, इनकी शिक्षा व्यवस्था एक सामान्य कक्षा में प्रदान की जा सकती है। तो ऐसे बालकों की हम पहचान कैसे कक्षा में करेंगे, यह मुख्य मुद्दा है। तो ऐसे बालकों की जो विशेषताएं होती हैं उसी से हम इनकी पहचान करते हैं। तो देखिए जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, वह कक्षा में जब आप शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, तो यह सुनने में चूंकि कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए यह कक्षा में बोले जाने वाले शब्दों को बार बार दोहराने के लिए कहते हैं। दूसरी चीज यह है कि ऐसे बालक अथवा व्यक्ति जो है बोलने वाले के कान सम्मुख होकर के सुनने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं बार बार कान में उंगली घुमाते हैं। देखिए जहाँ पर दोष होता है हमारा हाथ वहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाता है, अपने आप चला जाता है। जैसे यहाँ चोट लगी हो तो देखेंगे बार बार आपका हाथ यहाँ जाएगा, आँख में कोई दिक्कत है तो बार बार आपका हाथ जो है उंगलियाँ जो है आँख में जाएंगे। तो ऐसे जो बालक होते हैं जिनको श्रवण दोष होता है, तो देखेंगे ऐसे बालक बार बार कान में उंगली घुमाते हैं, तो यह भी एक पहचान है। अच्छा अब इनके लिए शिक्षा व्यवस्था आपको कैसी करनी चाहिए, तो सबसे पहला कदम आपको यह उठाना चाहिए कि ऐसे बालकों को कक्षा की सबसे अगली पंक्ति में बैठा देना चाहिए। ऐसे बालकों को कक्षा की सबसे अगली पंक्ति में बैठा देना चाहिए। दूसरा चीज यह, बालक के इस दोष से बालक के अभिभावक को अवगत करा देना चाहिए। बालक के इस दोष से बालक के अभिभावक को अवगत करा देना चाहिए, साथ ही साथ किसी अच्छे चिकित्सक से दिखाने का सुझाव भी देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इनके लिए कान की मशीन हियरिंग एड की व्यवस्था करा देनी चाहिए, और ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए दृश्य सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए। चूंकि यह सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से इनको बेहतर सिखाया जा सकता है। अब अगला है दृष्टि दोष युक्त बालक। दृष्टि दोष युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक। देखिए दृष्टि दोष युक्त बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो कक्षा में श्यामपट पर लिखे हुए अक्षरों को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ऐसे बालकों को दृष्टि दोष युक्त बालक कहा जाता है। इसे भी दो प्रकारों में मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, एक कम दृष्टि दोष युक्त बालक, कम दृष्टि दोष युक्त बालक, तो कम दृष्टि दोष युक्त बालक देखा जाए तो यह आंशिक रूप से दृष्टि दोष से युक्त होते हैं। इनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वह 70/200 से 20/200 होती है, 70/200 से 20/200 होती है। दूसरा है पूर्ण दृष्टि दोष युक्त बालक, पूर्ण दृष्टि दोष युक्त बालक, तो ऐसे बालक जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 होती है, इनको पूर्ण दृष्टि दोष युक्त बालक कहा जाता है। तो देखिए
ऐसे जो बालक होते हैं पूर्ण दृष्टि दोष युक्त बालक, इनको भी समावेशी कक्षा में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इनके लिए जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, उभरे हुए आकृतियों वाले अक्षर होते हैं उसकी सहायता से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष युक्त है, इनको हम किसी विशेष उपकरण की सहायता से समावेशी कक्षा में इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं, इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करके। जैसे बच्चा अगर देखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको लेंस वगैरह लगा दिया जाए, कक्षा की अगली पंक्ति में बैठा दिया जाए, अथवा श्रव्य सहायक सामग्रियों के प्रयोग के द्वारा इनको बेहतर से बेहतर सिखाया जा सकता है। तो जो कम दृष्टि दोष युक्त बालक है अथवा आंशिक रूप से दृष्टि दोष युक्त बालक है, इनके लिए हम जो है उपाय कर सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे, इनकी विशेषताएं क्या है, पहचान क्या है? तो देखिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं यह श्यामपट पर लिखे हुए अक्षरों को बार बार दोहराने के लिए कहते हैं, अथवा श्यामपट पर लिखे अक्षरों को गंभीर मुद्रा में देखने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त समय लगा करके देखने का प्रयास करते हैं, अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए देखते हैं। एक सामान्य बच्चे की भांति नहीं कि देखा तुरंत जो है लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ये थोड़ा समय खर्च करेंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ जाना है कि लग रहा है बच्चे को कोई दृष्टि दोष है, अथवा देखते समय बच्चे बार बार आंखों को मल करके रगड़ करके देखने का प्रयास करते हैं, तो यह इनकी पहचान हो गई। अब इनके लिए शिक्षा व्यवस्था क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को कक्षा की अगली पंक्ति में बैठा देना है। दूसरा चीज यह कि बच्चे के इस दोष से इनके अभिभावक को अवगत करा देना है तथा अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से दिखाने का सुझाव देना है। ऐसे बच्चों के लिए जो है हमेशा यह ध्यान देना है कि अगर दृष्टि दोष युक्त बालक है तो इसके लिए श्रव्य सहायक सामग्री का अत्यधिक प्रयोग करना है, अगर श्रवण दोष बाधित बालक है तो इसके लिए दृश्य सहायक सामग्री का अत्यधिक प्रयोग आपको करना है। अगला है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक, तो देखिए पिछड़े बालक उन्हें कहा जाता है। पहले तो इसको जो परिभाषित किया गया था वह यही मान लिया गया था कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंद बुद्धि के आधार पर पिछड़े बालक को नहीं परिभाषित किया जाता है, इनको उनके शैक्षिक लब्धि के आधार पर परिभाषित किया जाता है। मंद बुद्धि एक कारण हो सकता है, बच्चों के शैक्षिक उपलब्धियों में कमी आने के पीछे मंद बुद्धि एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल और केवल मंद बुद्धि कारण नहीं होता है, अन्य भी कारण हो सकते हैं। अन्य कारणों से भी बच्चे जो है शैक्षिक परिक्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, सामाजिक कारण से, पारिवारिक कारण से, आर्थिक कारण से, शारीरिक दोष से, बुद्धिलब्धि संबंधी कारण से, तो इन सभी कारणों से जो बच्चे शैक्षिक निष्पादन में पिछड़ जाते हैं सामान्य बच्चे से, ऐसे बच्चों को पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा जाता है। तो पिछड़े बालक को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे बालक जो कक्षा में सामान्य बालकों की अपेक्षा कम उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं या सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, ऐसे बालकों को पिछड़े बालक कहा जाता है। इनके पिछड़ने के पीछे सामाजिक कारण भी हो सकता है, अगर सामाजिक वातावरण अच्छा न मिले, पारिवारिक वातावरण अच्छा न मिले, इस वजह से बच्चा जो है पिछड़ जाए, रुचि ध्यान व इच्छा का अभाव भी इनको शैक्षिक लब्धियों में पीछे ले जा सकता है कि कक्षा में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, बच्चा रुचि ध्यान व इच्छा के अभाव में उसको नहीं पढ़ पा रहा है, और जब परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें कम निष्पादन कर रहा है, तो ये सभी, या कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है, शारीरिक दोष की वजह से बच्चा लिखने पढ़ने में असमर्थ है, इस वजह से उसका निष्पादन कम हो रहा है, तो किसी भी कारणवश जब बच्चे सामान्य बालकों की अपेक्षा कम निष्पादन कर पाते हैं तो ऐसे बालकों को पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा जाता है। कई मनोवैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि ऐसे बालक जो अपनी कक्षा से एक कक्षा पूर्व के भी कार्य को नहीं कर पाते हैं,
ऐसे बालकों को पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह पिछड़ापन देखा जाए मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक सामान्य पिछड़ापन और दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन और दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन उसे कहते हैं जब बच्चा कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी विषयों में अगर पीछे रह जाता है तो उसे सामान्य पिछड़ापन कहा जाता है। अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी विषय हैं वह बच्चा सभी विषयों में पीछे रह जाता है तो इसे सामान्य पिछड़ापन कहा जाता है। विशिष्ट पिछड़ापन उसे कहा जाता है कि कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कुछ एक या दो विषय में ही अगर बच्चा पीछे रहता है, बाकी विषयों में ठीक है, सामान्य बच्चे की भांति वह भी निष्पादन कर रहा है, लेकिन एक दो विषय ऐसे हैं जिसमें वह पीछे रह जाता है सामान्य बालकों से, तो उसे क्या कहा जाएगा? विशिष्ट पिछड़ापन कहा जाएगा। इनके लिए देखिए हमेशा एक शिक्षक को चाहिए कि इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, इनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाए, इनके लिए उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था करें, इनके लिए सरल एवं रुचिकर पाठ्यक्रम का निर्माण करें और इन्हें सीखने के लिए सतत प्रेरित करता रहे। इन सब क्रियाओं को करने से इनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने दृष्टिदोष युक्त बालक के बारे में पढ़ा, श्रवण बाधित बालक के बारे में पढ़ा और पिछड़े बालक के बारे में पढ़ा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 73 88 12 83 पर कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।